हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.28। इसके आप फर्स्ट पार्ट में कह रहा है एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज एन इक्वल टू 3, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल एंड एमएल। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे देखो एन इक्वल टू 3 दे रखा है। एन क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो एन इक्वल टू 3 दे रखा है, मतलब सेल कौन सी है? 3rd सेल है, है ना। और 3rd सेल में सब सेल कितनी होती है? 3 ही होती है। देखो फर्स्ट सेल में सब सेल कितनी होती है? 1 होती है। सेकेंड सेल में सब सेल कितनी होती है? 2 होती है। थर्ड सेल में सब सेल कितनी होती है? 3 होती है। फोर्थ सेल में सब सेल कितनी होती है? 4 होती है। फिफ्थ सेल में सब सेल कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, तो यहां एन इक्वल टू 3rd है, एन इक्वल टू 3rd है, तो सब सेल का नोटेशन होता है एल। ठीक है, तो सब सेल कितनी होंगी? 3 होंगी। और कौन कौन सी होंगी? 0, 1 और 2। इसको कहते हैं एस, इसको पी और डी। एस सबसेल, पी सबसेल और डी सबसेल। ठीक है, तो एल की वैल्यू क्या आएगी इस पे? पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2। क्लियर? अब कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल एमएल की वैल्यू चाहिए। देखो एल इक्वल टू 0 हो, एल इक्वल टू 0 हो, एल इक्वल टू 1 हो, एल इक्वल टू 2 हो। क्लियर? मतलब एल इक्वल टू 0 मतलब एस सबसेल, एल इक्वल टू 0 मतलब एस सबसेल में ऑर्बिटल देखो कि इसमें एम एल की वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी। क्लियर? एल इक्वल टू 1 मतलब पी सबसेल में एम एल कितने होंगे? देखो ऑर्बिटल्स 5 ऑर्बिटल्स होंगे, -1, -1, 0, 3 ऑर्बिटल्स होंगे, +1। एल इक्वल टू 2 मतलब देखो ये हो गया एस पी और डी। एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, एल इक्वल टू एम एल इक्वल टू 0, पी में 3 होते हैं और डी में 5 होते हैं, एम एल इक्वल टू -2, -1, 0, 1 और 2। तो ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं और एल इक्वल टू है। क्लियर? लिस्ट द क्वांटम नंबर्स एम एल एंड एल फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉर 3D ऑर्बिटल। देखो 3D का मतलब क्या है? 3D का मतलब होता है n इक्वल टू 3rd सेल, n इक्वल टू 3rd सेल है। और मैंने आपको बोला 3rd सेल में कितने सबसेल होती है? 3 सबसेल होती है। ठीक है, तो देखो l इक्वल टू, अब यहां पे d क्या बता रहा है? d सबसेल बता रहा है। तो यहां पे देखो l इक्वल टू, अगर देखो ऐसे कर लिया करो 0, 1, 2 और 3, ये होगा s, ये होगा p और ये होगा d, और s s p d f। अब यहां पे d है तो ये देखो l इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। सबसेल कौन सी है? सेकंड है। क्लियर? अब यहां पे m l की वैल्यू और बता दो, m l d में देखो d में कितने होते हैं? -2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 0 और 1 और 2। क्लियर? अब यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, ये कौन कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल होते हैं? देखो दोस्तों 1, 2, 3 और 4। क्लियर? फर्स्ट सेल में एक ही सबसेल पॉसिबल है, वो है एस। यहां पर है ना, यहां पे सबसेल कौन सी होती है? एस भी होती है और पी भी होती है। यहां पे एस पी डी, यहां एस पी डी और एफ। क्लियर? अब यहां पे 1p, देखो फर्स्ट सेल में देखो 1 क्या बता रहा है? सेल कौन सी है? फर्स्ट है ना, और p सबसेल कौन सी है? पी सबसेल। तो फर्स्ट सेल में पी सबसेल होती है क्या? नहीं होती। सेकंड सेल में एस सबसेल होती है क्या? होती है सर। थर्ड नहीं सॉरी टू ही टू में पी सबसेल होती है क्या? होती है सर। थर्ड में एफ सबसेल होती है क्या? सर नहीं, एस और पी और डी होती है, एफ नहीं होती है। तो कौन से पॉसिबल हो गए? ये और ये। समझ में आया?